हेलो एवरीवन वेलकम टू जेई क्लासेस मेरा नाम है मोहित शर्मा और हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम की यूनिट नंबर फर्स्ट तो फर्स्ट यूनिट के अंदर हम थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में अपना पहला पोर्शन जो होता है इसका कोल बेस्ड के ऊपर जो हमारे कोयले से आधारित थर्मल पावर प्लांट है उनकी वर्किंग किस तरीके से होती है उसके बारे में बात कर लेती है ठीक है आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में कि इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स किस तरीके से हम थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और किस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाते हैं न्यूक्लियर प्रियक्टर की मदद से तो ये काफ़ी हमारा एडवांस पावर प्लांट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं न्यूक्लियर फिनमिना की हेल्प से एनर्जी क्रिएट करते हैं और उस एनर्जी की मदद से स्टीम जनरेशन का काम किया जाता है जबकि पिछले प्लांट के अंदर हमने देखा था कि कोयले की केमिकल एनर्जी को कोयले के कंबंशन के द्वारा हम क्या कर रहे थे हीट को प्रोड्यूस कर रहे थे तो उस हीट का यूज़ कर रहे थे हम किसमें अपने वाटर को या स्टीम को क्या करने के लिए सुपर हीट करने के लिए ताकि वो क्या कर सके हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर मेंटेन कर पाए जिससे हम टर्बाइन से एक यूजफुल एवेलेबल वर्क वहाँ पर हम ले सकें और टरबाइन हमारा क्या काम करेगी अल्टरनेटर को चलाएगी जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो आइए पढ़ते हैं अब न्यूक्लियर पावर प्लांट तो यहाँ पर क्या है न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप देखोगे कि ये हमारा एक तरह का न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक फ़ोटो लिया हुआ है तो इसमें क्या है कि यहाँ पर जो है ये आपको ऊँचे ऊँचे कुछ टावर्स दिख रहे होंगे दो इनको बोला जाता है क्या कूलिंग टावर्स इनको कहते हैं हम कूलिंग टावर ये बीच में हमारा क्या है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंप्यूटर है दिमाग है दिल है जो भी आप आत्मा कह सको न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर है ना ये हमारा क्या है यहीं पे क्या होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है जिससे हमारी एनर्जी क्या होती है प्रोड्यूस करती है और यही जान की आफत भी हमारा बन सकता है अगर इसमें कोई दिक्कत हो जाए ठीक है तो न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा क्या होता है जिसके अंदर हमारी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेडिएशन प्रोड्यूस होता है और हमको क्या होता है उस एनर्जी से हम अपना आगे उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं ठीक है अगर ये एनर्जी हमारी कंट्रोल अवस्था में ना हो और ये हमारा किसी तरीके से क्या हो जाए फेल हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है ठीक है तो न्यूक्लियर रिएक्टर ये हो गया ये हमारे कूलिंग टावर है सी ये हमारी चिमनी है जहाँ से वेस्ट हमारा जो है सब बाहर निकाला जाएगा वेस्ट कैसेस सही है तो ये फोटो में हम देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके का हमारा न्यूक्लियर प्लांट दिखता है अब बात करते हैं इसमें कौन सी हमारी रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में तो इसके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं वो हमारी न्यूक्लियर फीजनस होती हैं और न्यूक्लियर फ्यूजन्स होती, होती है तो दो तरह की रिएक्शंस होती हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस जिसके अंदर हमारा न्यूक्लियर फ्यूज़न है और एक हमारा न्यूक्लियर फीज़न है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है आपकी न्यूक्लियर रिएक्शंस वो होती है हमारी क्या दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं भाई या तो आप किसी भी एलिमेंट को दो पार्टों में ब्रेक करेंगे या दो पार्टिकल्स को मिला के एक बड़ा पार्टिकल क्रिएट करेंगे तो दो ही इक्वेश दो ही रिएक्शन हमको मिलेंगे यहाँ पर एक रिएक्शन को बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन दूसरी रिएक्शन को बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूज़न और दूसरी इक्वेशन को बोलते हैं क्या न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन का मतलब है विखंडन फ्यूजन का मतलब है जोड़ना फ्यूजन का मतलब है फ्यूज यानी कि कोई ए चीज है कोई बी चीज है आपस में फ्यूज करेगी और क्या क्रिएट कर देगी कोई सी चीज ठीक है ए और बी आपस में फ्यूज होंगे प्लस होंगे फ्यूज होंगे जो आप कह सकते हो और मिलेगा क्या हमको सी चीज मिल जाएगी नया आइटम मिलेगा कुछ इसको कहते हैं फ्यूजन फ्यूजन में क्या होता है फ्यूजन में यही मान लिया सी पार्टिकल है इसी को क्या करते हैं हम ब्रेक करते हैं दो पार्टों में ब्रेक कर देते हैं ए प्लस बी तो बड़ा पार्टिकल होता है यहां पर सी सी क्या होगा ए और बी दोनों से क्या होगा बड़ा होगा न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर एक बड़ा पार्टिकल होगा और वो दो छोटे पार्टिकलों में तोड़ा जाएगा जबकि यहां पर क्या होगा दो छोटे पार्टिकल होंगे ए और बी वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे फ्यूज होके एक बड़े पार्टिकल सी में ये क्या होगा हमारा सी यहाँ पे भी क्या होगा बड़ा होगा ए और बी से ठीक है तो ये दो तरह की रिएक्शंस होती है न्यूक्लियर फ्यूजन और हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हमारी इक्वेशन काम आती है वो हमारी रिएक्शन होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूजन दिस इक्वेशन ये इक्वेशन हमारी कहाँ काम आती है न्यूक्लियर रिएक्टर में दिस इक्वेशन इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या काम करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स हमारे को एनर्जी प्रोवाइड है. करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे हम स्टीम जनरेशन का काम करते हैं बाकी सब काम वही तरीके का होता है जिस तरीके से कोयले पावर में हो रहा था लेकिन यहाँ पर क्या है कोयले की जगह कौन ले लेता है न्यूक्लियर के एलिमेंट्स ले लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हमारी कौन सी रिएक्शन होगी न्यूक्लियर फ्यूजन होगी जिसको हम कहते हैं विखंडन यानी कि पार्ट्स पार्ट्समेंट ब्रेक हो जाना ब्रेक होगा तो फ्यूज फ्यूजन कहलाएगा अगर एडिशन होगा तो फ्यूज़न कहलाएगा फ्यूज़ का मतलब याद रखेंगे हम फ्यूज़ का मतलब क्या होता है जुड़ना फ्यूज़ का मतलब क्या होता है जुड़ना यानी कि दो पार्ट जब दो हम लाइट एलिमेंट्स को आपस में जोड़ेंगे तो कोई तीसरा एलिमेंट्स हमको वहाँ पर मिलता है उसको कहते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूज़न न्यूक्लियर फ्यूज़न में एक बड़ा आर्टिकल लेते हैं है ना एक बड़ा लड्डू लिया उससे दो तीन छोटे लड्डू बन गए उसे कहते हैं हम क्या न्यूक्लियर फ्यूज़न यानी कि विखंडन होना तो जो सन है सूर्य देवता जो है हमारे वो किस पे चल रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन पर चल रहे हैं उनके अंदर नाभिके संलयन हो रहा है और जो हमारा जो बॉम्ब बना रहे हैं हम या फिर हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो काम कर रहे हैं वो हमारा क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन में हो रहा है ठीक है बात करते हैं आगे तो अगर हम बात करें न्यूक्लियर फ्यूजन की सबसे पहले तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन दो पार्टिकल फ्यूज होंगे आपस में कौन कौन से वो आर्टिकल लेंगे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं भाई न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा सिंपल सी बात है एक दो छोटे पार्टिकल होंगे ए प्लस बी और वो जुड़ के क्या बनेंगे सी और क्या बनेगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी एनर्जी बहुत ज़्यादा क्या बनेगी यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होगी ठीक है ए प्लस बी को कंबाइन करेंगे फ्यूजन करेंगे और सी प्रोड्यूस होगा और एक हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखो एग्जाम्पल देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए क्या है है ना इसको कहते हैं ड्यूटेरियम इसको कहते हैं ट्राइटियम जब दोनों को आपस में फ्यूज़ करा जाता है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं ये तो जब इन दोनों को क्या करेंगे आपस में फ्यूज़ किया जाएगा इन दोनों के न्यूक्लियस को इन दोनों के न्यूक्लियस को देखो न्यूक्लियस एटम में होता है हमारा जो इसके अंदर प्रोटोन और न्यूट्रॉन होते हैं तो इन दोनों को फ्यूज़ करेंगे तो हमारा क्या करेगा यहाँ पर मैटर क्या करेगा आपस में कोलाइड होगा तो मैटर क्या काम करेगा हमारा जो दो हल्के हैं वो क्या कन्वर्ट हो जाएंगे एक भारी में कन्वर्ट हो जाएंगे यानी कि मैटर क्या होगा यहाँ पर स्टेबल नहीं रहेगा मास क्या होगा स्टेबल नहीं होगा दोनों तरफ क्योंकि एक नया पार्टिकल यहाँ जनरेट कर रहा है जिसका मास क्या है अपने पहले पार्टिकलों से क्या है अलग है लेकिन हमने ये पढ़ा है कि हमारा जो मास होता है वो किसी भी रिएक्शन के दौरान क्या रहता है कंजर्व रहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन के ऑफ मास के अकॉर्डिंग हमारा मास क्या रहता है वो स्टेबल रहता है वो चेंज नहीं होता है लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर हमारा मास चेंज होता है मास चेंज होता है तो जाता कहाँ पर है तो मास जो है हमारा वो एनर्जी का रूप ले लेता है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो भी हमारा मास कन्वर्ट होता है वो एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है वो होता है हमारा ई e बराबर सबने इक्वेशन ये पढ़ी होगी ई e बराबर एम सी स्क्वायर ई बराबर एम सी स्क्वायर आइंस्टीन कीवेशन है काफी मेहनत करी है इस इक्वेशन को निकालने में E बराबर एम सी स्क्वायर यानी कि जो भी आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होगी मैटर जो आपका जब चेंज होगा एनर्जी के रूप में M क्या है यहाँ पर M आपका मास है बच्चों मास ऑफ एलिमेंट जो हमारा होता है ए में एटोमिक मास यूनिट किसी भी एटम का मास हम एम में नापते हैं सी क्या है यहाँ पर सी है हमारा बताओ सी क्या सी है हमारा क्या बिल्कुल सही स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट क्या है स्पीड ऑफ लाइट क्या है स्पीड ऑफ लाइट होती है थ्री लैक्स किलोमीटर पर सेकेंड वही थ्री इंटू टेन की पावर एट होता है थ्री इंटू एट की पावर मीटर पर सेकेंड होता है आठ में से तीन घटा दिया पाँच जीरो रह गए तीन लाख हो जाएगा तो तीन लाख किलोमीटर पर सेकेंड ये हमारी क्या हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी आपने ए का मास लिया उससे हमारी एनर्जी कन्वर्टेशन हमको मिल जाता है तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर मास डिफेक्ट की बात होती है किसकी बात होती है मास डिफेक्ट की यानी कि मास डिफेक्ट का मतलब है कि मास जो है यहाँ से गायब हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है उसे कहते हैं मास डिफेक्ट मास डिफेक्ट क्या होता है मास का इंक्रीज हो जाना या मास का डिक्रीज हो जाना या तो आपका मास इंक्रीज होगा या मास डिक्रीज होगा जबकि लॉ कहता है कि मास कभी भी क्या हो नहीं होने का चेंज नहीं होने का तो मास चेंज ना होने की वजह से मास जब चेंज हो रहा है तो मास क्या करेगा खुद को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और एनर्जी हमारी किससे रिलेटेड है यहाँ पर मास से क्या कहते किसके द्वारा आइंस्टीन इक्वेशंस के द्वारा स्पेलिंग आप देख लेना आइंस्टीन इक्वेशन ठीक है तो इस तरीके से क्या होता है हमारा ये फ्यूजन का इक्वेशन है जिसके अंदर एक हमारा ट्राइटेरियम है वन एच टू लिख सकते हैं इसको और प्लस क्या ऐड होगा यहाँ पर वन एच थ्री ये आपस में फ्यूज होंगे दोनों आपस में क्या होंगे ये ये हमारे फ्यूज हो जाएंगे फ्यूज मतलब जुड़ना फ्यूज होकर तीसरे तरह का एलिमेंट बनेगा यहां पर क्या बनेगा तीसरे ही टाइप का एलिमेंट बनेगा जिसको हम कहते हैं हीलियम टू एच फोर इसका फार्मूला होता है प्लस का यहाँ पर क्या मिलेंगे हमको न्यूट्रॉन मिलेगा एक न्यूट्रॉन मिल जाएगा है ना और हमको क्या मिलेगी लॉट ऑफ एनर्जी एनर्जी इसी की सब इसी की वजह से ये सब एक रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं इस एनर्जी के पीछे पड़े हुए हैं हम। हमको ये एनर्जी चाहिए इस एनर्जी को हम क्या करेंगे बॉम्ब में इस्तेमाल कर लेगा कोई तो कोई न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल करेगा इस वाले पोर्शन में नहीं बरा एनर्जी तो हमारी वहाँ भी प्रोड्यूस होगी न्यूक्लियर फ्यूजन में ठीक है तो यहां पे बॉम्ब इसकी बात नहीं लिखते इसमें बात कर लेते हैं सिर्फ सन की हम तो जो हमारी सोलर एनर्जी है वो हमारी इसी प्रोसेस से चल रही है कभी आप बाद में कहो कि भैया तुमने यहाँ क्यों लिख दिए तो सोलर एनर्जी जो है हमारा वो क्या होगा वो हमको मिलेगी किससे न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से मिलेगी जिसके अंदर दो एटम हमारे एट दो न्यूक्लियस न्यूक्लियस मतलब नाभिक जो है आपस में हम कंबाइन कराएंगे है ना एक कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं कि हवा में ही कोई कंबाइन कर देंगे पूरा एक सेटअप होता है पूरा एक चैम्बर होता है जिसके अंदर ये सब चीज़ें बहुत ही निगरानी में ये चीज़ परफॉर्म की जाती है क्योंकि इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करती है कि हमारा क्या कर सकती है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर सकती है डिस्ट्रक्टिव हो सकता है तो इसलिए क्या काम करते हैं ये सब चीज़ें चैम्बर में की जाती है क्लोज चैम्बर में तो ये हमारा न्यूक्लियर फ्यूज़न है जिसके अंदर हमने दो एटम्स दो न्यूक्लियस को हमने कंबाइन करा और तीसरा हमको मिला मास डिफेक्ट होने की वजह से मास इंक्रीज करने दो लाइट एलिमेंट थे हमारे हैवी एलिमेंट बना है मास डिफेक्ट हुआ है जिसकी वजह से लॉट ऑफ एनर्जी हमको देखने को मिलती है किसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न के अंदर ये बात हुई न्यूक्लियर फ्यूज़न की अब बात करते हैं किसकी न्यूक्लियर फ्यूज़न की तो न्यूक्लियर फ्यूज़न की बात कर लेते हैं न्यूक्लियर फीजन में क्या हो रहा है आपका ये आपका न्यूक्लियर फीजन है न्यूक्लियर फीजन में क्या होता है न्यूक्लियर फीजन को समझ समझते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन मैंने आपको बता दिया ठीक है तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है हमारा क्या होगा कोई भी भारी एलिमेंट होगा सी वो कन्वर्ट होगा क्या दो स्मॉल एलिमेंट्स में ये आपके होंगे लाइट एलिमेंट्स दोनों ही क्या होंगे लाइट मतलब हल्के एलिमेंट्स और ये जो हमारा सी होगा ये होगा हमारा एक हैवी एलिमेंट हैवी एलिमेंट ठीक है तो इस तरीके से हमारा न्यूक्लियर फिजन होता है जिसमें एक भारी जो है को हम दो पार्टों में तोड़ते हैं विखंडित कर देते हैं इसका विखंडन करना इतना आसान नहीं है किस तरीके से विखंडित होता है उसके बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारा है ये हमारा है न्यूक्लियर फीजन तो कैसे कैसे विखंडित होगा यहाँ पर तो हम इसके विखंडन के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि हम किसका विखंडन करेंगे यहाँ पर विखंडन हम करेंगे बच्चों किसका यूरेनियम 235 का इसका यूरेनियम जो कि एक हमारा न्यूक्लियर एलिमेंट है यूकेरियम दो सौ पैंतीस इसका फॉर्मूला क्या है यू टू थर्टी फाइव नाइन्टी टू ये इसका एटोमिक नंबर है ठीक है तो हमने क्या काम करा एक इसका न्यूक्लियस लिया जिसके अंदर क्या है प्रोटोन है और न्यूट्रॉन है ये रेड वाले मान लिया प्रोटोन है और वाइट वाले क्या है न्यूट्रॉन है तो प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन आपको किसके अंदर मिलता है न्यूक्ली के अंदर जिसे हम कहते हैं नाभिक तो इसके न्यूक्ली में आपको क्या मिलेगा प्रोटोन और न्यूट्रॉन देखने को मिलेंगे तो ये जो प्रोटोन न्यूट्रॉन है अब ये आपस में प्रोटोन पे होता है पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन्स पे क्या होता है कोई चार्ज नहीं होता आपका जीरो चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर न्यूट्रॉन की क्या करेंगे एक न्यूट्रॉन लेंगे एक न्यूट्रॉन लगेंगे उसको क्या करेंगे इससे टकराएंगे इसके ऊपर इसकी स्ट्राइक कराएंगे तो जब ये जाके स्ट्राइक करेगा तो इसके अंदर क्या करेगा इसके अंदर एंटर कर जाएगा ठीक है तो जब ये न्यूट्रॉन हमारा किसके न्यूक्लियस में एंटर्स कर जाता है यूरेनियम दो के न्यूक् में एंटर करेगा तो वहाँ पर क्या करेगा जैसे आप ये मान के चलो कि जैसे ये कैरम की गोटियाँ हैं और ये हमारा स्ट्राइकर है तो जब हम इसे स्ट्राइक करेंगे कैरम से तो सारी गोटियाँ क्या होंगी बिखर जाएंगी फैलेंगी ठीक है तो न्यू ये जो हमारा न्यूट्रॉन होता है इसकी स्पीड क्या रखते हैं एक बहुत ही एवरेज स्पीड रखते हैं ना कि ज़्यादा हाई स्पीड तो अगर हाई स्पीड रखेंगे तो ये क्या करेगा यहाँ से जा जैसे इस पर टकराएगा तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा सीधा जैसे स्ट्राइकर में मारोगे आप तो एक दो गोटी में लगेगा और सीधे बाहर निकल जाएगा लेकिन अगर हम उसको एक एवरेज स्पीड के साथ मारें तो सारी गोटियाँ क्या हों बिखर जाएँ एक चारों तरफ तो उसी तरीके से क्या काम करेगा ये जो हमारा न्यूट्रॉन है ये क्या हमारा न्यूट्रॉन ये न्यूट्रॉन जो है हमारा जीरो एन वन ये जो न्यूट्रॉन है हमारा यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस में जाके क्या होगा एंटर कर जाएगा यहां पर जब ये एंटर कर जाएगा तो क्या करेगा इसको क्या कर देगा वो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें यूरेनियम 236 में जैसे ही ये इसमें जाएगा तो ये क्या हो जाएगा यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है तो यूरेनियम दो सौ पैंतीस पर जब हमने किसकी स्ट्राइक कराई एक न्यूट्रॉन की कराई तो उसने क्या काम करा इसको क्या करेगा वो फैला देगा और यूरेनियम दो कर देगा और नाइन्टी कर देगा तो जब ये फैलेगा हमारा क्या ये हमारा क्या, क्या काम करेगा फैलेगा स्प्रेड करना स्टार्ट करेगा किसकी वजह से न्यूक्लियस की वजह से क्या करेगा स्प्रेड करेगा फैलेगा ठीक है तो ये जैसे फैलेगा तो एक फैलने की क्या होगी जैसे ये ऐसा ऐसे हो जाएगा थोड़ी देर बाद फिर थोड़ी देर बाद न्यूट्रॉन क्या करेंगे और न्यूट्रॉन आएंगे तो वो क्या काम करेंगे और इसमें इसको कुछ इस तरीके से कर देंगे ठीक है तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाएगा तो जिससे ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा पार्ट ए और ये पार्ट हो जाएगा बी जो पार्ट कहाँ से आया सी से तो न्यूट्रॉन ने क्या काम करा जो स्ट्राइक करेगा इसके ऊपर तो ये क्या काम करेगा इसके अंदर स्ट्राइक करेगा और इसको क्या करेगा स्प्रेड करेगा फैला देगा इसको ठीक है तो उसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर ये दो पार्टों में हमारा ब्रेक हो जाएगा ए और बी सी किस में ब्रेक हो जाएगा हमारा ए और बी में तो ये ए क्या है और बी क्या है सी क्या आता है यहाँ पर हमारा यूरेनियम 236 तो जो विखंडन होता है ना फीजन होता है वो ना कि 235 का नहीं होता वो किसका होता है 236 का न्यूक्लियर फीजन जो होता है वो एक्चुअली में किसका होता है यूरेनियम 236 का होता है आपका ठीक है उसके बाद हमको दो दो पार्टों में ब्रेक हो जाएगा दो न्यूक्लियर ब्रेक हो जाएंगे कौन कौन से एक तो मिलेगा आपको बेरियम का ठीक है और एक हमारा हो जाएगा क्रिप्टॉन का तो एक तो हो गया बेरियम और एक हो गया हमारा क्रिप्टॉन और यहाँ से जो आपको मिलेगा यहाँ से तीन इलेक्ट्रॉन आपके क्या होंगे तीन न्यूट्रॉन सॉरी तीन न्यूट्रॉन यहां से और निकलेंगे तीन न्यूट्रॉन हमारे यहाँ से और निकलेंगे ठीक है क्योंकि यहां पर मास डिफेक्ट होगा मास डिफेक्ट होने की वजह से यहां पर क्या होगा रेडिएशन होगा जिससे हमारे तीन न्यूट्रॉन यहां पर बाहर निकलेंगे और लॉट ऑफ एनर्जी यहां पर प्रोड्यूस होगी यहां पर क्या होगा लॉट ऑफ एनर्जी भी यहां पर प्रोड्यूस होने वाली है इसी एनर्जी का यूज हम क्या करेंगे इसी एनर्जी का यूज हमें करना है तो नब्ब्यानवे दो सौ छत्तीस हमारा क्या हो गया अब इसको विखंडित करेंगे so, जब on, तो जब ये हमारा फीजन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेरियम फोर फोर लाइट एलिमेंट में कन्वर्ट होगा प्लस कन्वर्ट होगा हमको मिलेंगे एक्स्ट्रा और यही न्यूट्रॉन क्या काम करेंगे आगे और, और जो हमारा न्यूक्लियस होगा यूरेनियम का उसमें जाके घुस जाएंगे उसमें जाके एंटर हो जाएंगे उसमें, एंटर हो जाएंगे उसमें एंटर होंगे उससे और हमारे न्यूट्रॉन निकलेंगे वो और अगले थ्योरियम में जाके एंटर हो जाएंगे क्योंकि इसकी पूरी क्या रहती है यूरेनियम की रॉड लगी रहती है तो उस रॉड में ही क्या होता है ये रिएक्शन होती रहती है ये आगे जाता जाएगा पूरी चैन रिएक्शन हमारे यहाँ पर मिलेगी तो उसके बाद हमको यहाँ मिलेगी फर, लास्ट में एनर्जी ए लॉट ऑफ एनर्जी हमको यहाँ पर मिलेगी ठीक है इसी एनर्जी का यूज़ हम किस में करेंगे यही एनर्जी हमारी यूज करेंगे किस में हम यही एनर्जी यूज की जाएगी किसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर और यही एनर्जी के द्वारा भैया अगर बनाना चाहो तो बम बना लेना वैसे रशिया यूक्रेन के माहौल को देखते हुए सब काम बंद कर देना चाहिए तो हमारा एनर्जी जो है किस काम में लेंगे हम न्यूक्लियर रिएक्टर में जो कि एक पॉजिटिव साइड है किसका न्यूक्लियर रिएक्शंस का एक पॉजिटिव साइन है अदरवाइज तो मौजूद है दुनिया खत्म करने के लिए आपका बॉम्ब भी ठीक है तो कुछ को बॉम्ब अच्छा लगता है और कुछ को न्यूक्लियर रिएक्टर पसंद है तो जो आप चाहो वो इससे कर सकते हो किसके द्वारा न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा ठीक है तो हमने न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फीजन की बात करी अब हम बात करेंगे अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट की तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है जिसके आधार पर हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट चलता है जो है न्यूक्लियर फ्यूजन उसके अंदर भी हम यूरेनियम की क्या कराते हैं फ्यूजन कराते हैं जिससे हमको न्यूट्रॉन्स मिलते हैं वो न्यूट्रॉन्स और फ्यूजन प्रोवाइड कराते हैं तो एक लॉन्ग चैन रिएक्शन हमको यहां पर मिलती है तो हमको यहां पर क्या मिलेगी एक लॉन्ग चैन रिएक्शन देखने को मिलेगी ठीक है वो कैसी वो कैसी होगी? बताता हूं। तो वो चैन रिएक्शन कुछ हो जाएगी इस तरीके की इस तरीके की तो ये चैन रिएक्शन आपको मिलेगी देखना इसको क्या कहते हैं हम चैन रिएक्शन इसकी? विखंडन की न्यूक्लियर चैन फिजन की रिएक्शन की भाई एक यहाँ उसके बाद क्या हुआ यहां से दो हल्के एलिमेंट मिले उससे हमारे न्यूट्रॉन निकले ये न्यूट्रॉन जाके फिर दोबारा टकरा गए फिर और ज्यादा हमारे दोबारा से हल्के एलिमेंट निकले और न्यूट्रॉन्स निकले फिर वो आगे जाके और दो हल्के एलिमेंट निकले दो इससे निकले फिर आगे जाके किससे टकरा गए दोबारा से थोड़ा यूरेनियम से जाके टकरा गए फिर आगे जाके हल्के एलिमेंट्स निकलेंगे दो विखंडन उनका होगा फिर दोबारा दो दो दो, दो 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 तो एक दो तीन चार चार दूनी आठ यानी कि हमको क्या मिल रहे हैं आठ पार्टिकल मिल रहे हैं ठीक है तो इस तरीके से क्या है जो एक से शुरू हुआ था वो क्या हो जाएगा हमारा आठ तक पहुंच जाएगा ऐसे ही क्या होता है ये जीपी सीरीज क्रिएट करते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हमारी चेन रिएक्शन आगे चलती है दो से चार चार से आठ आठ से सोलह सोलह से बत्तीस बत्तीस से चौंसठ तो इसको क्या करते हैं इसको दो तरह की रिएक्शन होती हैं हमारी ये है। फिर ये एक होती है हमारी क्या अनकंट्रोल्ड जो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो कि क्या है अनकंट्रोल्ड है एक होती है हमारी अनकट्रोल्ड जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ हमारे क्या होते हैं न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं और वो अगले जब तक हमारा यूरेनियम खत्म नहीं हो जाएगा वो रिएक्शन चलती रहेगी जब तक यूरेनियम आपका ख़त्म नहीं हो जाएगा मान लिया एक ग्राम यूरेनियम ले रखा आपने बीस ग्राम ले रखा कितने ग्राम यूरेनियम हमारे पास अवेलेबल है वो सारा कंज्यूम नहीं हो जाता जब तक ये रिएक्शन हमारी चलती रहेगी रेडिएशन यहाँ पर होता रहेगा यही कॉन्सेप्ट किसके अंदर होता है आपका न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर होता है जिसमें क्या होता है बीस से पच्चीस किलो का क्या होता है बॉम्ब गिराया जाता है पचास किलो तक का बॉम्ब गया था जब तक वो पूरा कंज्यूम नहीं हो जाता पूरा का पूरा यूरेनियम वो क्या करता है इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि पूरा का पूरा शहर वो क्या कर सकता है बच्चों खत्म कर सकता है ठीक है तो ये हमारा क्या है अनकंट्रोल रिएक्शंस होती है किसके अंदर बॉम्ब के अंदर दूसरा दूसरा आपका है सबसे प्यारा कंट्रोल चैन रिएक्शन जो हर कोई चाहता है ये कोई नहीं चाहता ठीक है तो कंट्रोल्ड वाले में क्या होता है कि हम क्या करते हैं इसको कंट्रोल करते हैं ये तीन न्यूट्रॉन निकल रहे हैं हर बार तीन न्यूट्रॉन निकल रहे हैं तीन न्यूट्रॉन निकल रहे हैं ये तीन न्यूट्रॉन यही बार बार जाके क्या कर रहे हैं बार बार स्ट्राइक कर रहे हैं यूरेनियम के ऊपर उसको और ब्रेक कर रहे हैं फिर जाके तीन निकल जा रहे हैं फिर स्ट्राइक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं इन तीन न्यूट्रॉनों में से दो को क्या कर देते हैं इनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं और केवल एक ही न्यूट्रॉन को रास्ता देते हैं एक ही न्यूट्रॉन को क्या करते हैं रास्ता दिया जाता है किसके अंदर कंट्रोल के तो ये क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो भी न्यूट्रॉन्स बन रहे होते हैं उनमें से अधिकांश न्यूट्रॉन को हम क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं और कुछ न्यूट्रॉन्स को क्या कर जाता है अगले यूरेनियम की जो रॉड्स होते हैं उनके ऊपर फीजन के लिए आगे छोड़ा जाता है ताकि वो फीजन को एक कंट्रोल अवस्था में चलाते रहें तो न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा क्या काम करता है कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फीजन पर काम करता है कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फीजन रिएक्शन इसके ऊपर हमारा क्या काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है ठीक है तो अब देखते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्टर की वर्किंग तो ये हमारा इस तरीके का क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर होता है हमारा जिसमें हम देखेंगे क्या कि जो हमारा ये है हमारा क्या न्यूक्लियर रिएक्टर का मेन पार्ट इसकी आत्मा न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर क्या स्टीम जनरेटर ठीक है उसके ऊपर जुड़ा हुआ है फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर प्लांट तो यहाँ पर क्या है कि सबसे और ये सब जो हिसाब किताब है पूरा ये किसके अंदर है कंटेनमेंट बिल्डिंग के अंदर किसके अंदर कंटेनमेंट बिल्डिंग कंटेनमेंट बिल्डिंग दिखाई थी मैंने आपको शुरू में ही कंटेनमेंट बिल्डिंग ये रही आपकी इसे ये है हमारी कंटेनमेंट बिल्डिंग जिसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर होता है आपका एक्चुअली में ठीक है तो वर्किंग समझ लेते हैं इसकी किस तरह से वर्क करता है तो इसके पहले पार्ट्स की बात कर लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होते हैं तो पार्ट्स की अगर बात करें एक तो आपका होता है यहां पर फ्यूल एलिमेंट एक तो होता है हमारा क्या फ्यूल एलिमेंट एक हमारा होता है फ्यूल एलिमेंट जिसको हम कहते हैं फ्यूल रोड फ्यूल रोड ठीक है फिर दूसरा होता है हमारा क्या मॉडरेटर दूसरा होता है मॉडरेटर 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 का काम क्या है न्यूट्रोनों की स्पीड को कम करना उनकी एनर्जी को कम करना फिर हमारा यहाँ पर है स्टील प्रेशर का वैसल है ये सारा का सारा न्यूक्लियर रिएक्टर एक स्टील की मोटी दीवार होती है उसमें क्या रखते हैं इसको बंद कर देते हैं कॉन्क्रीट शील्ड होती है फिर और होता है इसमें स्टीम जनरेटर स्टीम जनरेटर जो हमारा स्टीम जनरेट करेगा उसके बाद हमारा है टर्बाइन ये स्टीम जनरेट होने के बाद किसके ऊपर जाएगी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट टर्बाइन और टर्बाइन के बाद आपको मिलेगा अल्टरनेटर इसके बिना क्या करेंगे कुछ भी नहीं हो सकता अल्टरनेटर तो अल्टरनेटर इज द आउटपुट ऑफ एनी प्लांट और जो आपका इनपुट है वो हमारा क्या हो रहा है अब यहाँ पर आ गया न्यूक्लियर ने उसकी जगह ले ली है तो यहां पर पंप भी है एक पंप को भी लिख लेते हैं पंप जो क्या काम करेगा वाटर को दोबारा से सर्कुलेट कराने का काम करेगा पंप ठीक है तो यहां पर क्या है ये हमारे पार्ट्स है फ्यूल रॉड मॉडरेटर स्टीम जनरेटर टर्बाइन अल्टरनेटर एंड पंप अब यहां पर देखो ध्यान से कैसे वर्किंग होती है इसकी तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो हमारी फ्यूल रोड्स हैं है ना तो इन फ्यूल रोड्स के ऊपर कंट्रोल रोड्स तो गई, कंट्रोल रोड्स कंट्रोल रोड इनके बिना तो कुछ होने का ही नहीं कंट्रोल रोड्स अगर कंट्रोल नहीं करेंगे इसको तो ये तो अनकंट्रोल हो जाएगा और अनकंट्रोल का मतलब है महाविनाश अनकंट्रोल का मतलब क्या है वहाँ महाविनाश आप में से कुछ यही चाहते हैं महाविनाश हो जाए कंट्रोल रॉड्स इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं तो फ्यूल रॉड क्या काम करेगी फ्यूल रॉड क्या काम करेगी यहाँ पर तो जो यहाँ पर फ्यूल रॉड होगी हमारी उसमें क्या होगा आपका न्यूक्लियर फीजन परफॉर्म होगा फ्यूल रॉड में हम क्या कराएंगे न्यूक्लियर फीजन करवाएंगे और इन न्यूट्रॉनों को स्ट्राइक करेंगे इस पर किस पे न्यूट्रॉन स्ट्राइक किए जाएंगे न्यूट्रॉन का क्या कराएंगे स्ट्राइक किसके ऊपर फ्यूल रॉड के ऊपर तो न्यूट्रॉन जब हमारा फ्यूल रॉड के ऊपर स्ट्राइक करेगा उससे क्या होगा हमारा यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होगा न्यूक्लियर फ्यूजन में हमारा और न्यूट्रॉन्स बनते हैं और दो हल्के एलिमेंट में क्या होता है हमारा यूरेनियम क्या हो जाएगा यूरेनियम 235 क्या हो जाएगा वो ब्रेक होगा दो हल्के पार्टिकल में जब हम क्या करेंगे इसके ऊपर इसकी वर्किंग के लिए मैं आपको इस पर समझा देता हूँ ये चित्र ज़्यादा सही रहेगा ये हमारा छोटा है और ये हमने ले लिया बड़ा वाला ये पार्ट ये आ गया ठीक है इसको अलग से समझ लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए छोटा कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या है अगर हम इस पोर्शन की बात करें जो हमारा क्या है बाकी का जो पार्ट है वो आपका बिल्कुल कोल बेस की तरह ही है जिसमें स्टीम जनरेशन होगा टरबाइन अल्टरनेटर और वहाँ से फिर वो वापस स्टीम कंडेंस होकर वाटर दोबारा स्टीम जनरेटर के अंदर आता है वो तो हमारा हम समझ चुके हैं पहले लेकिन अब यहाँ देखें न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर तो यहाँ पर क्या होगा जो फ्यूल रोड होगी उसके अंदर क्या होगा हमारा न्यूट्रॉन टकराएगा किस पे ए, यूरेनियम पे और उससे क्या होगा हमारा उससे हमारा क्रिएट होगा क्या ये यूरेनियम जो है हमारा दो पार्टिकल में ब्रेक हो जाएगा बेरियम और क्रिप्टॉन बेरियम और क्रिप्टोन में ठीक है तो ब्रे, का एट्टी नाइन और इसका था वन फोर्टी फोर तो ये हमारा बेरियम और क्रिप्टॉन में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से निकलेंगे हमारे क्या और न्यूट्रॉन निकलेंगे तीन न्यूट्रॉन निकलेंगे हमारे ठीक है इन तीन न्यूट्रॉनों का करना है इनमें से दो की दो को तो हम कर देंगे स्लो डाउन दो को तो कर देंगे क्या स्लो डाउन और उससे क्या मिलेगी हमको एनर्जी और यहाँ पर कन्वर्ट हमको क्या मिलेगी एनर्जी तो जो भी फ्यूल रोड होगी यहाँ पर न्यूट्रॉन जब आके स्ट्राइक करेगा न्यूट्रॉन स्ट्राइक करने से क्या होगा ये वाली रिएक्शन हमारी परफॉर्म होगी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होगी यहाँ पर तो हमारा क्या होगा हमको न्यूट्रॉन uh, क्या करने पड़ेंगे जो न्यूट्रॉन निकलेंगे उनको कंट्रोल करना पड़ेगा जिसके लिए यहां पे लगा रहता है एक मॉडरेटर तो मॉडरेटर क्या काम करता है मॉडरेटर करता है हमारा क्या जो मॉडरेटर काम करेगा मॉडरेटर का काम क्या होगा स्लोइंग डाउन स्लोइंग डाउन द स्पीड ऑफ स्लोइंग डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स की स्पीड को क्या करेंगे स्लो डाउन कर देंगे और मॉडरेटर का एग्जांपल क्या है वाटर या हैवी वाटर या कहीं कहीं पे क्या है ग्रेफाइट तो ये तीनों क्या है एज ए मॉडरेटर हमारे यूज किए जाते हैं जिसके अंदर क्या करते हैं हम न्यूट्रॉन्स की स्पीड को करते हैं स्लो करते हैं क्योंकि जब न्यूट्रॉन आप देखोगे ये स्ट्राइक कर रहा था अभी किससे यूरेनियम से तो जब ये न्यूट्रॉन्स ती, तीन तीन न्यूट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे तो ये एक ये निकला एक ये निकला एक निकला तो यहाँ पर क्या है वाटर का मॉलिक्यूल इनको आपस आगे मिलेगा तो ये जब आगे टकराएगा तो इसकी स्पीड को क्या कर देगा ये स्लो डाउन कर देगा ठीक है ना तो हमारा सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन रह जाएगा जो हमारा आगे जाके किस पे टकराएगा यूरेनियम पे तो इस तरह से हमको ये कौन सी रिएक्शन मिलेगी कंट्रोल तो मॉडरेटर का, का काम क्या है यहाँ पर मॉडरेटर का, का काम है स्पीड को स्लो करना न्यूट्रॉन्स की जो उनके पास एनर्जी है उसको क्या करना स्लो डाउन करना उसके बाद आता है हमारा क्या कंट्रोल लॉड्स की बात करते हैं अगर अगर बात करें कंट्रोल लॉड्स की कंट्रोल लॉड्स तो कंट्रोल लॉड्स की अगर बात करें हम तो कंट्रोल लॉड करेंगी कंट्रोलिंग का काम किसका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल कौन करेंगी कंट्रोल लॉट्स तो कंट्रोल लॉड्स क्या काम करती हैं जैसे यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को हमें रोकने के लिए जरूरत पड़ेगी अगर टेम्परेचर हमारा कम है तो उसको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को बढ़ाना या घटाना दोनों का काम कौन करता है कंट्रोल लॉट्स करती हैं न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फीजन रिएक्शन कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड किसकी मदद से करेंगे वो कंट्रोल रॉड्स की और कंट्रोल रॉड्स हमारे एग्जाम्पल क्या है जैसे इसमें होती है हमारी बोरोन और कैडमियम की रॉड्स होती हैं बोरोन एंड कैडमियम या किसी और अन्य मेटल की हम रोड्स का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कैसे काम करेंगे ये बेरियम और कैडियम की रोड्स क्या करती हैं जो भी हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको क्या कर लेती हैं ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेंगी तो जब न्यूट्रॉन ही हमारा एबजॉर्ब कर लिया है ना जो पार्टिकल बने उन्हें एबजॉर्ब कर लिया तो हमारी फ्यूजन रिएक्शन क्या होगी आगे परफॉर्म ही नहीं होने की जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होगी स्लो डाउन हो जाएगी और जब हमको लगेगा कि यहाँ पर आ, हमको ज़रूरत है और एनर्जी की तो हम कंट्रोल लोड क्या कर देते हैं ऊपर की तरफ कर देते हैं जिससे हमारी फ्यूजन रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है दोबारा से बढ़ जाता है तो कंट्रोल लोड्स हमारी ऊपर और नीचे की तरफ को आती हैं किसके लिए एब्जॉर्प्शन करने के लिए न्यूट्रॉन्स का ताकि जो यहाँ पर है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को क्या करा जा सके कंट्रोल किया जा सके तो यहाँ से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर फ्यूजन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारी वो क्या काम वो कहाँ चली जाती है फिर हम अब आते हैं इस वाले डायग्राम पे वो एनर्जी हमारी कहां ट्रांसफर होगी स्टीम को वो स्टीम कहां है हमारी स्टीम जनरेटर के अंदर तो यहां पे क्या है कि जो हमारी कंट्रोल लॉड से है, इसने क्या परफॉर्म करा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल करा तो जो भी यहां पर क्या बनेगी ही, हीट बनेगी जो भी यहां पर एनर्जी हमको मिलेगी उसके कॉन्टेक्ट में क्या आ जाएगा हमारा वाटर कूलेंट आ जाएगा क्या आ जाएगा यहां पर कूलेंट तो कूलेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं वाटर भी यूज़ कर सकते हैं एज ए कूलेंट क्या क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे या तो वाटर यूज़ कर सकते हैं या कोई गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठीक है तो ये हमारे क्या करते हैं इसके अंदर एज ए कूलेंट हमारे काम करते हैं तो कूलेंट क्या करेगा सारी एनर्जी को लेके खुद गर्म हो जाएगा और यहाँ पे होगा वाटर सर्कुलेट हो रहा होगा वो वाटर कूलेंट क्या कर देगा अपनी जो हीट है वो किसको दे देगा वो दे देगा हमारा किसको वाटर को और वाटर कन्वर्ट हो जाएगा उस हीट को लेके किसमें स्टीम में तो यहाँ पर जो ये कूलेंट होता है करीब 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या हो जाता है गर्म हो जाता है उस गे गर्म होने से क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पर वाटर सर्कुलेट हो रहा है पंप के द्वारा वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और वो स्टीम क्या होगी जैसे हमारा कोयले प्लांट में टर्बाइन के पास जा रही थी फिर अल्टरनेटर उससे घूम रहा था फिर कंडेंस होकर वापस यहाँ पर पंप के द्वारा वो साइकिल बिल्कुल सेम है वो साइकिल यहाँ पर भी हमारी चलती रहेगी ठीक है ना तो स्टीम फिर हमारा वाटर कन्वर्ट हो जाएगा वाटर को पंप करेंगे दोबारा स्टीम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो हीट एनर्जी होगी उसी से हमारी टर्बाइन यहाँ पर चलेगी लेकिन जो वो हीट एनर्जी है वो कहाँ से आएगी अब की बार जो न्यूक्लियर रिएक्शन हुई है न्यूक्लियर फ्यूज़न ये जो एनर्जी यहाँ पर क्रिएट हुई है ये एनर्जी कहाँ पर ट्रांसफ़र की जाएगी हमारे कूलेंट को ट्रांसफ़र हो जाएगी ये हमारी न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन है तो ये हमारा जो वर्किंग है ये इस तरीके से हमारे जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या करते हैं वर्क करते हैं किसके आधार पर न्यूक्लियर फ्यूजन और वो भी रिएक्शन क्या होनी चाहिए हमारी कंट्रोल होती है तो न्यूक्लियर फीजर के अंदर क्या करते हैं भारी एलिमेंट को यूरेनियम की रॉड्स होती हैं यहाँ पर उसको किस में कन्वर्ट कर जाता है हल्के पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट हो जाती है जिससे काफ़ी न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उनमें से अधिकांश न्यूट्रॉन्स को हम क्या कर लेते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉनों को अपनी रिएक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए फ्री छोड़ा जाता है और कंट्रोल लॉड्स क्या काम करेंगी न्यूक्लियर फ्यूजन के रेट को कंट्रोल करेंगी कि, कि जो भी इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रॉन्स हमारे एक्स्ट्रा हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेंगी अगर हमारे न्यूट्रॉन्स कम पड़ रहे हैं तो इलेक्ट्र कंट्रोल लॉड्स ऊपर उठ जाएंगी और न्यूक्लियर फ्यूजन रेट हमारा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ठीक है और मॉडरेटर हमारा क्या काम करेगा मॉडरेटर हमारा जो भी यहाँ पर न्यूट्रॉन्स निकलेंगे बहुत सारे उनकी स्पीड को क्या करेगा स्लो डाउन करेगा ताकि हमारे यूरेनियम का क्या हो सके फीजन हो सके विखंडन हो सके क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था अगर न्यूट्रॉन्स की स्पीड क्या होगी ज़्यादा होगी तो वो विखंडन कहीं कर पाएगा तो हमको न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करना होता है जैसे मैंने बताया था कि जैसे आ, हम स्ट्राइकर से कैरम पे मारते हैं तो अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो हमारा क्या होगा वो स्ट्राइकर सीधा निकल जाएगा तो हमको स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है मॉडरेटर की तो मॉडरेटर क्या करता है स्पीड स्लो डाउन करता है ताकि वो हमारा क्या कर सके एक प्रॉपर स्पीड पे जाके यूरेनियम से टकरा सके जिससे उसका क्या होगा विखंडन हो सके उसका तो इस तरीके से क्या है ये हमारा वर्किंग है न्यूक्लियर पावर प्लांट का अब आपके जो है दो प्ला पावर प्लांट और रह गए हैं डीजल पावर पावर प्लांट और हमारा गैस टर्बाइन पावर प्लांट जिसको हम अगली वीडियो में देखेंगे आई होप कि आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट की वर्किंग समझ में आई होगी थैंक यू